हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते सब कोई अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने एनिमल टिशू के बारे में। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का हम लोगों ने चार एनिमल टिशू पढ़ लिए थे। जो एनिमल टिशू था आपका वो छह प्रकार का था, उसमें से चार के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग दो के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? देखते हैं कि वो दो टिशू कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है नर्वस टिशू और जर्मिनल टिशू के बारे में, ठीक है? पहले उससे पहले देख लेते हैं कि और जो चार टिशू थे उनके क्या नाम। पहला का एपिथेलियल टिशू नाम था, दूसरा का कनेक्टिव टिशू, मस्कुलर टिशू, फ्लूइड कनेक्टिव टिशू और नर्वस टिशू और लास्ट वन जर्मिनल टिशू। यही छह टिशू हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें से चार के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, दो के बारे में डिस्कशन करेंगे। नर्वस टिश्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या है? इसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ये क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो होता है ना दोस्तों, हमारे पूरी बॉडी में एक जाल के रूप में फैला होता है। जाल के जैसे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, हमारे पैर के अंगूठे से लेकर हमारे पूरे मस्तिष्क तक फैला हुआ है। यह क्यों फैला है? यह हमको सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मान लीजिए हमारे पैर में कहीं चोट लगा, हमारे मस्तिष्क को तुरंत सिग्नल मिलता है कि हमको चोट लगा, किसके कारण होता है? तो तंत्रिका तंत्र के यानी कि नर्वस टिश्यू के कारण होता है। नर्वस टिश्यू की एक यूनिट होती है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। इसी न्यूरॉन के कारण ही हमारी पूरी बॉडी को सूचना मैसेज मिलता है। देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पर। ये ऊतक विभिन्न ऊतकों के मध्य होता है। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो बहुत सारे ऊतकों से घिरे होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऊतक इनके बीच में आते जाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है ये जाल के जैसे फैले हैं, तो जाल में तो बहुत ऊतक होंगे ना, तो ये जाल के जैसे होते हैं। इनकी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका कहलाती है, यानी कि नर्वस टिश्यू को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, इसकी इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसका मुख्य कार्य क्या है, मेन वर्क इसका क्या है? हमारे मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना, यानी मैसेज को एक तरह से दूसरी तरह, यानी कि मस्तिष्क से पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से मस्तिष्क तक ले आना, ये हमारे नर्वस टिश्यू का वर्क होता है। ओके, लास्ट वन है जर्मिनल टिश्यू। देखिए दोस्तों, जर्मिनल जो टिश्यू है, जर्मिनल वर्ड है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड। ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है कि यह जो मेल और फीमेल होते हैं इनमें जो स्पर्म और ओवा बनते हैं वो अब किस टिश्यू के कारण होता है, तो वो जर्मिनल टिश्यू का ही मेन रीजन होता है। जर्मिनल टिश्यू जन्म कोशिकाओं में पाया जाता है, जो नर में यानी कि मेल बॉडी में स्पर्म बनाता है और फीमेल में ओवा बनाता है। हम लोग फुल्ली डिटेल में डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि हाउ टू स्पर्म प्रोड्यूस या रिलीज इन मेल बॉडी या फिर फीमेल बॉडी में एक कैसे बनता है। आपको पता होगा जो फीमेल बॉडी होती है उनमें दो ओवरी होती है, दोनों ओवरी में हर मंथ एक एक का फॉर्मेशन होता है। अब वो उस सब हम ये सब के बारे में डिटेल में जानेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर जरूर देखिए। देखते हैं तो जर्मिनल टिश्यू के बारे में किसान क्या होता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड होता है तथा जर्मिनल टिश्यू हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को सुरक्षा भी प्रदान करता है। और यह वर्क क्या करता है, मेल में स्पर्म बनाता है और फीमेल में ओवा बनाने का वर्क करता है। ये था आपका पूरा छह प्रकार का क्या एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया, छह प्रकार का एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और लास्ट वन है आपका जर्मिनल टिश्यू। ये हम लोगों ने पूरे पढ़ लिए। दोस्तों यहाँ पे आपका सारे टिश्यू चैप्टर क्या होता है खत्म। अब नेक्स्ट डे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।